मुरादाबाद, ठिठुरती ठंड से बचाएगी सर्वप्रयास सीता रसोई, संस्था के अध्यक्ष उदय भान सिंह ने बताया। सर्वप्रयास सीता रसोई ट्रस्ट, जो निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य करती है, पिछले 8 सालों से गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के घरों में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको निमंत्रण देकर एक स्थान पर बुलाकर रजाई दी जाती है। उसी कड़ी में आज मिलन विहार की धर्मशाला में लियाप का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी राजेश रस्तोगी, हिंदुस्तान के संपादक भूपेश उपाध्याय, समाज सेविका अल्पना रितेश गुप्ता ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समक्ष दीप प्रज्वलित करके श्री राम स्तुति के साथ किया गया। संस्था के महासचिव सुधांशु कौशिक ने बताया। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। पूरे महानगर से एकत्रित करके लोगों को और उनको रजाई का वितरण किया गया है, जो कि पिछले 8 साल से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, लोग समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जा रहा है, लोगों को पता लग रहा है कि भाई देखिए नर सेवा जो है नारायण सेवा है। अगर आप मानव की सेवा कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये सबसे बड़ा धर्म है कि आप मानव सेवा करें। सीता रसोई की तरफ से लगातार निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है। ये बड़ा कार्यक्रम है उदय भान जी का, मैं बहुत मतलब आभारी भी हूँ और उनका फैन भी हूँ कि वो इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं। और ये मिलन विहार सोसाइटी में जो ये धर्मशाला जहाँ आप खड़े हैं इसका निर्माण कराया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं मुरादाबाद महानगर के सभी भाभाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस धर्मशाला को बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और मैं बताना चाहूँगा ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है सर्वप्रयास का लिहाज वितरण, ये आज 8वें वर्ष का प्रोग्राम है और हम निरंतर 7 वर्षों से इसी दिसंबर के महीने में लिहाज वितरण करते हैं और ये हमारा दिसंबर से लेकर फरवरी तक लिहाज वितरण चलता है। ये आज हमने कूपन के माध्यम से लोगों को घर घर जा करके पात्रता का चयन किया और जिन लोगों को मुझे लगा कि इन्हें आवश्यकता है उनको आज मैंने यहाँ पर बुला करके और रजाई वितरण का कार्यक्रम किया। इसके बावजूद भी हमारा अब अगला कार्यक्रम चलता रहेगा, हम और भी तलाश रहे हैं, जितने लोग हमें पात्र दिखाई देंगे कि इन्हें वास्तव में जरूरत है रजाई की, हम उनके घर पे पहुंचाएंगे या उनको बुला करके एक स्थान पर उनको रजाई भेंट करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।